वेज चाउमीन एक स्पेशल सॉस के साथ आपको दिखाने वाली हूँ। वेज चाउमीन आप देखते रहना क्या है वो स्पेशल सॉस, एकदम स्ट्रीट स्टाइल में आएगा, एकदम बाहर मिलता है जैसा, आप आसानी से आप घर पे बना सकते हो। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ नूडल्स। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स को बॉयल कर लेते हैं। नूडल्स को बॉयल करने के लिए मैं डाल ली हूँ, जब पानी गर्म होती है मैं नूडल्स को ऐड कर दूंगी। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें ऐड करती हूँ नूडल्स। इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डाल लेती हूँ। नूडल्स को 90% ही बॉईल करना है, फुल 100% कभी कुक नहीं करना। बॉईल होने तक वेट करते हैं। 90% तक कुक हो गए हैं। मैं इसको स्टोव ऑफ करके दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ। मैं नूडल्स को निकाल लेती हूँ। इसको इमिडिएटली ठंडा पानी डालना है, वरना ये स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं। कभी भी आप नूडल्स बॉयल करना हो तो ये 90% ही कुक करना, 100% कुक नहीं करना है इसको। एकदम ठंडा पानी डालना है। अभी मैं दूसरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। नूडल्स बनाने के लिए नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। उसके लिए मैं फर्स्ट ली हूँ एक छोटा सा बाउल ली हूँ। इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर मैं ऐड करूंगी डार्क सोया सॉस, 2 स्पून डालती हूँ डार्क सोया सॉस। नेक्स्ट रेड चिली सॉस, एक स्पेशल सॉस है ये वेज चाउमीन के लिए। चिकन चाउमीन बनाना हो तो सेम प्रोसेस इसी तरह से ही करना। रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून डाली हूँ। फिर नेक्स्ट डालती हूँ 1 स्पून ग्रीन चिली सॉस, नेक्स्ट 1 स्पून विनेगर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी फाइनली एक वन इंग्रेडिएंट है अभी, वो है थोड़ी सी शुगर 1/2 स्पून, 1/2 स्पून डाली हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। वेज नूडल्स बनाने के लिए एक थिक सॉस रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। स्टोव ऑन करके कढ़ाई रख ली हूँ। इसमें ऐड करूँगी ऑयल, टू थ्री स्पून ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल गर्म होते ही इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन को बारीक से कट कर ली हूँ। अदरक
फिर मैं ऐड करूंगी ऑनियंस, फिर नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी कैबेज, कैरेट, कैबेज और कैरेट को भी थोड़ा सौते कर लेते हैं। अभी मैं ऐड करूंगी शिमला मिर्च, कैप्सिकम, इन सब वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालती हूँ मैं, एकदम थोड़ा सा वेजिटेबल्स के लिए थोड़ा सा सॉल्ट डाली हूँ। पसंद ना हो तो भी आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हम वेज नूडल्स को बॉईल करते टाइम पे भी सॉल्ट डाले हैं, फिर सॉस में भी सॉल्ट ऐड करे हैं, इसीलिए सॉल्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा डाली हूँ। अभी वेजिटेबल्स को थोड़ा सौते कर लेते हैं। फिर मैं ऐड करूंगी मिक्स किए हुए सॉस को, इस मिक्स किए हुए सॉस को ऐड करना है। गैस की फ्लेम को एकदम कम कर ली हूँ मैं, एकदम सिम में रख ली हूँ। अभी मैं ऐड करती हूँ नूडल्स, जैसे बॉईल करके रखे ना नूडल्स को, उसको मैं अभी ऐड करती हूँ। अब देख सकते हो नूडल्स हमारे परफेक्ट से बॉईल हुए हैं, ये स्टिकी स्टिकी भी नहीं है, ये एकदम अलग अलग से है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमारे वेज चाउमीन रेडी हो गए हैं। अब देख सकते हो इसका बहुत अच्छा कलर है इसका, इसको ज़्यादा से मिक्स नहीं करना, ये टूट जाते हैं। मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। सिंपल और इजी वेज चाउमीन एकदम स्ट्रीट स्टाइल में स्पेशल सॉस के साथ रेडी हो गया है। आप भी ट्राई करना ज़रूर इस रेसिपी को। आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सिंपल और इजी रेसिपीज़ के लिए फॉलो कीजिए एयू के हज़ब्रॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।